मतलब यार मैं अकेली जात कितना करूँ, मैं कैसे कैसे एंटरटेन करूँ तुम लोगों को। साड़ी ही पहनूंगी इसको मैं, नजर है वही तो उन पे ये गुतला करके ढक दिया ही भी है भाई साहब हमारे पास फुल एकदम एकदम चकाचक। अस्सलाम वालेकुम जी, आज है जी जुम्मे का दिन, तो आप सबको जुम्मा मुबारक। और नमाज मैंने पढ़ ली है, इस वक्त बज रहा है कोई 4। तो मैंने अपने खाने के लिए आज बहुत कुछ बनाया है, मैंने सेब भी काटा है, चाय भी बनाई है और अंडे वाला सैंडविच भी बनाया है। मैंने कहा कुछ हेल्दी होना चाहिए आज, तो अभी ये खाएंगे फिर देखते हैं क्या करना है। अब रात के खाने में जो है आज बन रहे हैं आलू के पराठे। तो ये आलू का भुर्ता मैंने बना लिया, इसके अंदर मैंने मसाले वगैरह डाल दिए हैं और ये थोड़ी सी फाइन कटी हुई प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं। अब इसको मैं करूँगी मिक्स अच्छी तरीके से और फिर बनाएंगे पराठे। वो आप देखें इससे ज़्यादा सुंदर नहीं हो सकता, बेहतरीन 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 है, माशाल्लाह सही है बेहतरीन। खाना वाना हम लोगों ने खा लिया है और अब सीन ये है कि संडे को है मेरी दोस्त की रस्म, अचानक से रिश्ता पक्का हो गया उसका तो एकदम। और संडे को खैर उसकी रस्म है तो उसने बुलाया है और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं पहनूं क्या, क्योंकि गर्मी ऐसी बरस रही है ना, और क्या पहन। तो अभी इस ख़जाने को ज़रा खोलते हैं, ये जो फंसा पड़ा है सूट केस उसके अंदर हैं कुछ कपड़े, तो मैंने सोचा कि निकाल के ट्राई करते हैं वरना वही पुराने वाले पहन लेंगे। ये कुछ कपड़े पड़े हैं इसके अंदर, ये कोई सिल्क का जोड़ा एकदम सिल्क, और एक ये जोड़ा है एकदम लाल, ये एकदम पंजाबी औरतों वाली फीलिंग आई इसको देख के पता नहीं क्यों। ये तो काम वाला जोड़ा है, ये भी काम वाला है, ये क्या है, ये भी है एक जोड़ा। भाई अभी मुझे एक ये साड़ी मिली है और एक ये साड़ी मिली है जो अम्मी के हाथ में है इधर, पर अम्मी बजट है कि मैं इसकी फ्रॉक सिलवा दूँ। अरे भाई मैं साड़ी भी पहन सकता है, कोई मना थोड़ी साड़ी पहनना, खुद ने तो बहुत पहनी है साड़ी है। लेकिन है दादी की पता नहीं भाई, मुझे तो रफ़ी ऊपर ने दी है 2 साड़ियाँ, मुझे नहीं पता किसकी हैं, पर हैं प्यारी। ये इतनी प्यारी साड़ी है, इसकी एकदम फ्रॉक सिलवाने की एकदम बजट है मेरे मुझसे, साड़ी ही पहनूंगी इसको मैं। ये अम्मी ज़रा मेरे साड़ी बांधने की कोशिश कर रही है, एकदम कलेजे पे होगी एकदम यहाँ तो जैसी होगी भाई, ऐसे थोड़ी बनती है, पहले इसकी फॉल बनाते हैं फिर। हाँ तो बनाए फॉल, पहले फॉल बनती है ना, वो जो प्लेट है पल्लू, पहले पल्लू दे पल्लू। गाइस मेरी अम्मा ने मुझे थान में ऐसे लपेटती है कुछ बन नहीं पा रहा है, लेकिन अम्मी कैसे बंधेगा ऐसे, ये भी यहाँ से छूटा हुआ है बहुत सारा। सबर तो करो ना, ये सब फॉल बनेगी इसकी। अच्छा नजर है वही तो उन पे ये गुतला करके ढक दिया ही करके तो भाई ये समेट के इस्त्री हो गए प्रेस हो गए फिर बनती है। अभी दिखाती हूँ, अरे अल्लाह ये तो गिर जाऊंगी मैं ऐसे। तू औरत इस काबिल है नहीं कि साड़ी पहने तो पड़ भी जाएगी, मत पहनना। अब मैं ये सही नहीं बंदा भाई, ये तो अजीब सी, मैं वो मासिया मासिया नहीं होती बंगाली बोले खासी साड़ी थी, इसके नीचे पेटीकोट अजीब इतनी मोटी अलग लग रही हूँ। अभी मैंने ये वाला सूट पहन के देखा, इसका मटेरियल बड़े मज़े का है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कपड़ा और बड़ा शाइनी शाइनी था, प्यारा सा है। पर सबसे बुरी बात यह है कि इसका कोई मैचिंग दुपट्टा नहीं है, ये ऐसा है स्ट्रेट शर्ट है इसकी और इसके साथ मैचिंग की इसकी सेम प्रिंट की शलवार है, बस के साथ कोई दुपट्टा ही नहीं है। अगर दुपट्टा होता तो मैं ऐसे प्यारे प्यारे से इयररिंग्स डाल के ये पहन लेती हूँ, प्यारा लगता है यार। ये एक ये सूट है हरे रंग का, ये ऐसा है कुछ, ये इस तरह कुछ हरे रंग का है, शेफोन पे और कढ़ाई हुई है पूरी इस पर, पर ऐसे इतना सिंपल अच्छा नहीं लगेगा, बस इसको सही करना पड़ेगा फिर मुझे। कुछ नहीं है पहनने को,
और मेरे पास ये शादियों में पहनने के लिए कोट भी है यार, मतलब कोट भी है भाई साहब हमारे पास फुल एकदम एकदम छकाछक, मतलब लेकिन कोई ऐसी ड्रेसिंग ही नहीं बनती है हमारी, मतलब इस होली में मैं जाऊंगी किसी की शादी में तो एकदम मजाक ही उड़ाएंगे यहाँ के लोग, तो कोई बस इतनी ठंड में कोई शादी भी नहीं रखता है, रखते हैं हमारे ऐसे सड़ी गर्मी में जून जुलाई में शादियाँ रख लेते हैं ऐसे पसीने टपक रहे, मतलब यार कोई रखो सर्दी में शादी में ये पहन सकूँ कोट। इस रेड वाले ड्रेस को ना मैं लिफ्ट ही नहीं करा रही थी पर अच्छा यही लग रहा है, मतलब व्हाट यू गाइस थिंक। पर मैं चाह रही हूँ कि गर्मी बहुत हो रही है तो कोई हल्का रंग मैं पहन सकूँ, पर कपड़े नहीं है यार वही वाला रोना हो गया मेरा तो ना, मतलब कपड़े इतने सारे हैं लेकिन फिर भी कपड़े नहीं हैं, लड़कियों के बड़े मसले होते हैं, लड़कों का सही है वही वाइट शर्ट ब्लू पैंट पहन के कहीं पे भी चले जाओ, ऑफिस भी वही पहन के जा रहे हैं, किसी की शादी में वही पहन के जा रहे हैं, दावत में भी वही पहन के जा रहे हैं, एक वाइट शर्ट ब्लू पैंट बस, और जुम्मे वाले दिन कोई भी कुर्ता सलवार किसी भी रंग का सेट मामला है एकदम। या फिर ये ना मेरे पास एक तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके वैसे आप लोग देख सकते हैं कि वाली फ्रॉक पड़ी हुई है मेरे पास, या फिर एक ये वाला जोड़ा, ये मतलब मुझे बेहद ये पसंद है और ये है भी बड़ा प्यारा मुझे, और ये बड़ा मेरे पास एक यही महंगा तरीन जोड़ा मेरे पास ये पड़ा हुआ है, ये मैंने लिया था अलकरम से सिला सिलाया एकदम महंगा वाला सूट, ये पहन भी मैं बहुत दफ़ा चुकी हूँ लेकिन इसका मसला ये है कि इसकी आसीने फुल हैं और ये कपड़ा थोड़ा मोटा है तो गर्मी बहुत हो रही है गाइस, तो मैं इसको स्किप करने का सोच रही हूँ। इसके अलावा एक ये वाली फ़्रॉक है लेकिन ये ईद पे मैंने इतनी पहन के इसके साथ रील वील सब कुछ ही बना लिया है तो यार मतलब क्या करूँ अब मैं, ये भी तो मसला है ना, अब नए कपड़े चाहिए होते हैं ताकि तस्वीरें खींच सके बंदा, अलमारी का ज़रा मैस को ज़रा इग्नोर कर देना, ये सही करने का टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे, करना है पर मैं करूँगी। भाई साहब बहुत कंफ्यूजन है, ऊपर से गर्मी ने साला दिमाग ख़राब करके रख दिया है हमारा, तो अभी फ़िलहाल तो ये सीन है कि मुझे ये लाल वाला जोड़ा कुछ समझ में आ रहा है, अभी जो हमने ये सब कुछ फैलाया हुआ है ना चारों तरफ ये सब समेटना है हमें, तो व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड, आई होप कि अच्छा लगा होगा, मतलब यार मैं अकेली ज़ात कितना करूँ मैं, कैसे कैसे एंटरटेन करूँ तुम लोगों को, तो भाई व्लॉग को करिए मैं यहीं पे एंड, आई होप कि अच्छा लगा होगा, नहीं भी अच्छा लगा ना तो पसंद करके लाइक कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे रखना अपनी दुआओं में याद, और अल्लाह हाफिज़ आज के लिए बस इतना ही था, मैं थक गई हूँ, बाय।